आज किए, हर एक आसन का एक साइंटिफिकली एक करने का तरीका है, और साइंटिफिकली हमारे बॉडी पे उसका असर और प्रभाव पड़ता है। और इसका करने का हम एक संकल्प आज लेते हैं 21 जून। ऐसा नहीं कि हमें आज करना है और इसके बाद भूल जाना है। हम सभी अपनी अपनी जो हमारी प्रक्रिया है दिन भर की, उसमें काफ़ी व्यस्त रहते हैं, मगर हमें क्या करना है, अपने पूरे दिन के 24 घंटों में से आधा घंटा इसके लिए निकालना है। और इसका हम आज संकल्प करते हैं और कोशिश करेंगे कि ये हमारा संकल्प झूठा ना जाए, और हम अपने बिजी शेड्यूल से आधा घंटा निकालकर अपने ही शरीर को देंगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, जैसे हर कोई बिजी होता है और हम कहते हैं कि हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है, हम 24 घंटे का काम कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर लेते हैं। जैसे एक घंटे में हम कोई काम करते हैं, हम बोलते हैं यार हमारे पास टाइम नहीं है। बट अगर आपका फिजिकली और मेंटल लेवल अच्छा होगा, जो कि योगा से अच्छा होगा, आप जानते हैं, या एक्सरसाइज से अच्छा होगा, तो उस एक घंटे को काम को आप 15 से 20 मिनट में कर सकते हैं। तो ये टाइम सेविंग है, आप इसको मत सोचना कि इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। जब हमारा फिजिकली और मेंटल लेवल अच्छा बन जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारा काम करने का जो एफर्ट होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा, और उसका जो आउटपुट होगा और रिजल्ट होगा वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा ये वंडरफुल गिफ्ट दिया है हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जिस भी कमी के कारण हम उसे इसको उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, आज हम संकल्प लेते हैं कि इसको हम करेंगे रोज़ नियमित अच्छे से, दूसरों को भी जागृत करेंगे कि हमें इसको करना है, इससे हमारे हेल्थ में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब जैसे आज आपको पता है पूरे विश्व में कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, अब उसको हम योगा के संदर्भ में कैसे देखें। अब जैसे आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी तक आई नहीं है और ना ही आएगी मुझे लगता है, क्योंकि वो एक वायरस है। आप साइंटिफिक वे से अगर देखो तो वायरस की जो वैक्सीन होती है वो ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है, क्योंकि वो अपना जो नेचर होता है वायरस वो चेंज करता रहता है। अब हमने इसको योगा के साथ कैसे जोड़ना है, आप जानते हैं कि ये वायरस उसको ज़्यादा छेड़छाड़ या उस पर अपना प्रकोप नहीं डाल पाता जिसके अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, तो योगा से आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, आप जानते हैं इसकी बात। तो योगा से जुड़े रहने के लिए आपको इम्यूनिटी वाले जो आसनास हैं वो आपको करने हैं। उससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट होगा, और आप अपने फैमिली मेम्बर्स, आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको भी ये आसन बता के उनको इस कोरोना वायरस की महामारी से बचा सकते हैं। तो ये आपका ये आपका फ़र्ज बनता है कि ना कि आप खुद करें, बट आप अपने फैमिली मेम्बर को भी सिखाएं और उसको इस विश्व की महामारी से बचाएं। आज 21 जून को हम सारे संकल्प करते हैं कि हम रोज़ योगा करेंगे और अपने फैमिली के मेम्बर्स को भी योगा सिखाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रेरित करेंगे और सपोर्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।